और बेटा कैसा रहा तुम्हारा समर कैंप? मजे किए जी भर के बेटा। हाँ, अच्छा था और मजे भी बहुत किए, लेकिन ये पूरे आर्य नगर को इतना गंदा किसने करके रखा है? कल रात ही की बात है, आसमान में टूटे तारे देखकर लोगों ने विशेष मांगनी शुरू कर दी और सबके विशेष पूरी भी होने लगी। शुक्र है ये सब कुछ एक दो घंटों से ज्यादा नहीं चला, वरना तो सोना भी मुश्किल हो जाता। टूटते तारे जो सबकी विशेष पूरी करते हो, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। कराटी, अब कौन सी नई चाल चल रहे हो तुम? जोजो बाबा, तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते माइटी राजू को कि तुम क्या तोहफा लाए हो उसके लिए? उस घड़ी में वक्त खत्म होते ही आर्य नगर हो जाएगा तबाह। ऐसा करने की सोच के तुमने बड़ी गलती कर दी है जोजो बाबा। वो रहा मेरा टूटता तारा। ए टूटते तारे, मैं चाहता हूँ कि तू पूरे आर्य नगर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दे। तारा तो जमीन पर फूटने से रहा कराटी। रोको रोको उन्हें। इससे पहले कि माइटी राजू यहाँ आ जाए। शाबाश माइटी राजू, तुम हर बार आर्य नगर को बचाने में सफल होते हो, शाबाश। मीठा हो या चटपटा, खाओ सिंह के दुकान पर लो खाने का असली मजा। जब मीठी मीठी जलेबियां, चटपटी सेव पूरी या रस भरा रसगुल्ला, तुम बच्चों के लिए पहला आइटम खाओ सिंह की तरफ से बिल्कुल फ्री। आइडिया, हम तीन अलग अलग चीज लेकर आपस में शेयर कर लेते हैं, इस तरह हमें अलग अलग चीजों को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। सही कहा राजू। बच्चों, पहले इस बच्ची को इसकी आखिरी पानी पूरी तो दे दूं। जी, आप तो बड़े तेज हो।
तजुर्बा है बच्चों। ऐसी सेव पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। और ये जलेबी तो कितनी मजेदार है। रगड़ा पैटिस का भी जवाब नहीं। आओ यहाँ बैठ कर खाते हैं। देखो कौन आया है मजेदार खाने के बारे में, तुम क्या जानो। दोस्तों कहीं और बैठते हैं ताकि चैन से इस खाने का मजा ले सके। यहाँ बहुत शोर है। सही कहा राजू, कहीं और चलते हैं। बहुत अच्छा बच्चे, खाना वेस्ट हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी। अपने रसगुल्लों को पकड़ कर रखो बच्चों, उछल उछल कर गिर रहे हैं। हाय बेबी मंकी। तुम्हें ये प्रॉब्लम में कोई मजाक ले रही? अभी तो मैंने बोर्ड पर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अचानक गायब कैसी हो गई हो? इड़ी इड़ी, ये क्या हो रहा है? बिना बात के हंस क्यों रही हो? क्या बंदर बंदर? प्यून रुक रे टुक रे, जल्दी आओ, स्कूल में बंदर आ गया है। बंदर मंकी पकड़ो रे उसे। ऊपर पानी की टंकी खुली, अगर तुम लोग उसे पकड़ने गए तो वो डर के पानी की टंकी में कूद सकता है। या धड़म, मुझे बेबी मंकी को बचाना ही होगा। माइटी राजू बनने का टाइम आ गया। बेबी मंकी रोकरी और टोकरी के हवाले कर दूं। पर सर वो इस बेबी मंकी का क्या करेंगे? राजू हम इसे वापस जंगल में छोड़ देंगे जहाँ से वो आया था। क्या हम इसे अपने पास नहीं रख सकते? नहीं गोभी, जंगल ही इसका घर है। जैसे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वैसे इसे भी इसके परिवार के साथ रहने की आदत होगी। हम एक काम कर सकते हैं, अगली बार हम स्कूल पिकनिक जंगल के पास वाले गार्डन में रख सकते हैं, ताकि तुम लोग इस प्यारे से बेबी मंकी से वापस मिल सको। ये!